जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन पालमपुर में। आज एक बार फिर से मैं आप सबके सामने एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आप सबके सामने मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, जिसमें स्पेशली जो हिमाचल के आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम हैं, एचआरटीसी कंडक्टर का आपका एग्जाम पेंडिंग है, हिमाचल पटवारी, जल्दी ही नई सरकार जो है वो उसकी घोषणा करने वाली है, एचपीएसआई सब इंस्पेक्टर का जो आपका एग्जाम है वो आपका आने ही वाला है। इन सभी एग्जाम के लिए आपका ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रैक्टिस सेट में हम जो भी आपके सब्जेक्ट आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं, जीके है, मैथ, साइंस, रीजनिंग, हिमाचल जीके, और साथ में इंग्लिश जो है आपका, ये मेन आपके सब्जेक्ट रहते हैं, साथ में करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाता है। इन सभी के हम जो है वो मिक्स क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल की यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ हमारे अपडेटेड न्यू क्वेश्चन रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं मैथ की। मैथ का आपके पास ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। इसी प्रकार की आपको बैक टू बैक क्लासेस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, टारगेट आप लेके चलें। आज इसमें हम जीके, मैथ, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश और हिमाचल जीके के टोटल 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उन 60 में से लगभग आपके 50 से ज़्यादा जो हैं वो आपके आंसर जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो आपका हिमाचल हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता होगा 50 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है और उनमें जो है लगभग 45 से ज़्यादा तो उनकी मेरिट ही जाती है। मतलब कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 60% 70% एग्जाम करके आए और सिलेक्शन हो जाए, कम से कम आपको 90 से 100% तक आपको अपनी एक्यूरेसी लेके चलना है, तभी आपको जो है वो 2023 में आपको जॉब जो है वो मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। पहला प्रश्न है मैथ का आप सबके सामने, क्वेश्चन आप स्टार्ट करें। 3 की पावर 1 आपके पास दिया गया है, यहाँ पे इस वैल्यू को आपको ओपन करना है। 3 की पावर 1 का मतलब है 3, उसके आगे बोला गया है 3 की पावर -1, इसका मतलब होता है 1/3। जब भी वैल्यू ऊपर माइनस में होती है, जब इसको नीचे लेके जाते हैं तो वैल्यू किस में हो जाती है, प्लस में हो जाती है। उसके आगे है 3 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर कितना होता है, 9, और प्लस 3 -2, तो जब ये 3 नीचे जाएगा तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो अब इस वैल्यू को आप ओपन करें, कितना आपका आंसर आएगा, इस 3 के स्क्वेयर को जो है वो आपको ओपन करना है। तो 3 का स्क्वेयर मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 3 का स्क्वेयर कितना होता है, 9। तो 3 का स्क्वेयर कितना होता है, 9, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब आपको ध्यान में रखना है, इस 9 को इस 9 के साथ नहीं काटना है, 3 को 3 के साथ नहीं काटना है, क्योंकि ये एलसीएम मेथड से सॉल्व होगा। एलसीएम आप सबके पास कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 9, यहाँ पे आएगा 9 * 27, उसके बाद यहाँ पे बनेगा आपके पास 9, उसके बाद बनेगा आपके पास 81, और उसके बाद आपके पास बनेगा यहाँ पे 1। तो ये सारी की सारी चीज़ आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब सबको जो है वो आपको ऐड करना है, कितना आपका आंसर यहाँ पे रहेगा, तो सबको आप ऐड करें कि आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चेक कर लें कहीं पे गलती तो नहीं हुई है, यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पे जो है 9 की जगह जो है वो 3 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे आएगा 3। तो अब आप ऐड करें कितना आएगा, 27 और 3 होते हैं आपके 30, 30 और 80 हो गए आपके 110, 1 111 और 1 112, तो 112/9 जो है वो आपका जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, 112/9। और ये कौन सा ऑप्शन आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो है वो आप सभी का इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। जल्दी से अगले क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। स्क्वेयर रूट के चैप्टर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 40, 32 और 7 दोनों के ऊपर अंडर रूट दिया गया है। अब आपको पता है 7 किसी का रूट नहीं होता, वैसे ही 40, 32 भी किसी का रूट नहीं होता, तो दोनों को आप इकट्ठा कर लें। रूट आपने इकट्ठा लगा लिया,
40 32 एज इट इज रहेगा इंटू 7 आप कर दें, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा, साथ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 को 2 से किया 14, 1 का 7 है 21, 1 22 तो ये 2 आ जाएगा, और 7 चौके 28, 28 22 4, 28 22 और 4 ये बना। अब आपको इसको ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए आप जो है वो स्क्वायर रूट की ट्रिक्स को आप हमारे साथ सीख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया जाता है। लास्ट के दो नंबर को अलग करते हैं, स्टार्टिंग के जितने भी अक्षर बचते हैं उनको अलग करते हैं, ये 16 के स्क्वायर के आसपास रहता है, और 24 जो है इसका ये जो 4 है ये कहाँ पे आता है, ये 8 में आता है, 8 इंटू 8 64, तो 168 जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पे फिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है, काफी अच्छा प्रश्न है, पटवारी से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली है, धुआंधार आपके पास क्वेश्चन चले हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, क्या राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे आपके पास दिया गया है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2 और बराबर है 4 की पावर x, तो जब आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपने इस वैल्यू को सॉल्व करना है, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 2 की पावर 3 होती है 8, और 8 का स्क्वायर यहाँ पे बचा, यहाँ पे है 4 की पावर x, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 64 बराबर है 4 की पावर x। अब आपको ध्यान में रखना, अगर ये 4 की पावर कुछ है तो यहाँ पर भी 4 की ही पावर आपको कुछ करनी है, तो 64 का मतलब होता है 4 की पावर 3 और यहाँ पे आ गया 4 की पावर x, 4 से 4 कट गया, x की वैल्यू कितनी आपके पास मिल गई, x की वैल्यू मिल गई आपके पास 3। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, 3 की पावर x आपको निकालना है, तो 3 की पावर x कितना निकाला आपने 3, और 3 की पावर 3 किसके बराबर, 27 के बराबर, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। धुआंधार क्वेश्चन आपके पास चले हैं, एलसीएम से क्वेश्चन आपका, चौथा क्वेश्चन आपका मैथ का आ चुका है, 120 और 450 का एलसीएम आपको निकालना है, क्या इसका एलसीएम रहेगा, जल्दी से क्वेश्चन आप सॉल्व करें, सबसे सिंपल मेथड है एलसीएम के निकालने का जो आपका गुणनखंड का मेथड रहता है, उसी मेथड से हम जो है वो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 120 और 450 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड जो है उससे हम यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करेंगे, इसके अलावा एलसीएम निकालने का और कोई भी दुनिया में इजी मेथड नहीं है, ट्रिक से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक को समझने के लिए भी आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा पजल हो सकते हैं आप, इसलिए बिल्कुल सिंपल मेथड से इसको आप सॉल्व करें, 2 से काटा 120 कटेगा 60 बार, 40 का 450 किसका आधा है 225 का, उसके बाद फिर से किससे काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा आएगा 30 और 225 हमारा नहीं कटता है, उसके बाद 2 से फिर से काटा 30 कटेगा 15 बार, 225 हमारा कटता नहीं है, उसके बाद हम बात करेंगे 3 से, तो 3 से कट जाएगा 5 से 15 और 5 6 7 8 9 ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 7 21 1 और 5 तो ये बना 75, उसके बाद डायरेक्ट हम 3 से काट सकते हैं, ये तो 5 तो कटेगा नहीं, 25 75 25 आ गया, फिर 5 से काटेंगे 1 बार, फिर ये 5 बार और लास्ट में 5 बार, तो 1 और 1, तो ये सभी मेरा क्या बना, जो आपके इस वाली साइड लिखे गए हैं ये सभी क्या बने मेरे एलसीएम बने, तो एलसीएम आप निकालेंगे, स्टार्टिंग में क्या है आप 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 आगे क्या चीज़ है 3 × 3 3 × 3 आगे क्या है 5 × 5, हर बार आपको क्या करना है जीरो वाली टर्म को आपने बनाने की ट्राई करनी है, यहाँ पे कितना बना 5 × 5 बना 25, 25 दूने कितने 50, 50 दूने 100, 100 को 2 से किया तो कितना आ गया 200, 200 को किससे करेंगे 3 × 3 9, 9 × 18 तो एलसीएम कितना आ गया 1800, जो कि ऑप्शन कौन से इसमें है ऑप्शन बी में जो है वो आपके पास रखा गया है।
आई होप आपको क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। जीके साइंस रीजनिंग इंग्लिश मैथ सभी के सभी हम क्वेश्चन यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। हिमाचल पटवारी की आपकी नई सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई है, साथ में एचआरटीसी कंडक्टर का भी आपका जो आने वाला अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी आप यहाँ पे आप साथ में तैयारी कर सकते हैं। आप सभी को पता है हमारा एचपी एसएससी जो है वो कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंशन मिली है, तो अब एग्जाम का जो है वो अभी कुछ आइडिया नहीं है किस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम आएगा, लेकिन जहां तक बात है आपके ऑनलाइन एग्जाम जो है वो हो सकता है या फिर आपका जो एग्जाम का लेवल है उसको भी कुछ हद तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न परसेंटेज के चैप्टर से आपके लिए डाला गया है, फिफ्थ क्वेश्चन है मैथ का, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। 90 रुपये का 83 से 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? काफी अच्छा प्रश्न यहाँ पर जो है वो आपके सामने दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें क्या इसका राइट आंसर रहेगा। सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या चीज बोली गई है, 90 मैंने लिख लिया, का मतलब है गुणा, 83 से ही 1/3 इसको ओपन करेंगे, 3 * 9 8 * 24 249, इनको मल्टीप्लाई किया 249 और प्लस के 1 कितना बना 250/3, ये तो ओपन करने पे आ गया। परसेंटेज को हटाएंगे तो आपके पास बनेगा 1/100 कितने रुपए के बराबर है, ये आपसे पूछा है। तो हमने कितने रुपए मान लिए, एक्स रुपए का, एक्स रुपए का क्या बोला है 60%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। अब आपको क्या निकालना है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, कटिंग करेंगे जल्दी से, क्या हमारा राइट आंसर रहेगा, 100 से हमारा 100 कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद इस 60 को हम क्या करेंगे, इस 60 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचा 90 * 250 और यहाँ पे है हमारे पास 3 और 60 कहाँ ऊपर से आ जाएगा नीचे, कटिंग करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा, 0 से हमने 0 को काट दिया, 3 से जो है वो 2 बार कटेगा, 3 से जो है ये 3 बार कटेगा, 3 से 3 हमारा कट गया और 2 से 250 जब हमारा कटेगा तो 250 का आधा कितना 125 रुपये, 125 रुपये ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो धुआंधार क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पे आपके सामने हो चुकी है, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई एक नई धुआंधार वीडियो यहाँ पे हम लेके आएं तो सबसे पहले जो है वो आप अपने आप को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके वहाँ पे बिल्कुल सही हो सकते हैं। एक साड़ी 1900 रुपये में बेची जाती है और विक्रेता को 5% का नुकसान होता है बोला गया है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। 1900 रुपये में बेची जाती है तभी उसको क्या होता है 5 की हानि नुकसान होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस 1900 रुपये में, 1900 रुपये में क्या छिपी है, 5 रुपये की हानि, 5 रुपये का लॉस जो है, सॉरी 5% का लॉस जो है वो क्या है छिपा हुआ है। तो इसका मतलब जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तो ये किसकी वैल्यू दी गई है, ये 95% की वैल्यू दी गई है। हर बार प्रॉफिट लॉस 100 से चेक किया जाता है, 5% की हानि मतलब 5 कम कर देंगे तो 95% की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट कितनी दी गई है, ये दी गई है 1900 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1900 और 95 कहाँ आ जाएगा नीचे। अब आपसे पूछा है 15% का लाभ कमाना है, 100 के ऊपर 15 का क्या कमाना है, लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो लाभ कमाने के लिए कितनी वैल्यू पहुंच जाएगी, 115 पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब आपसे वैल्यू कितनी की पूछी है, 115 की आपसे वैल्यू यहां पर पूछी गई है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और अपना आंसर निकालें। 19 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 23 बार और 23 को 2 0 से गुणा करने पे आएगा 2300, जो कि आंसर कौन सा है हमारा, आंसर डी हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है आपके पास, औसत आपसे पूछा है, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने लेके आया हूं। अगर आप पिछले साल का पंचायत सेक्रेटरी का अगर आप एग्जाम देखेंगे या फिर हिमाचल पटवारी का एग्जाम आप देखते हैं
इसी प्रकार के डिट्टो क्वेश्चन जो है वो आपके उस एग्जाम में पूछे गए थे, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं बोलते हैं सर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते, इस टाइप का प्रश्न हमने कभी एग्जाम में देखा ही नहीं, आप इसको क्यों करवा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हिमाचल पटवारी का या फिर हिमाचल सेक्टरी का जो पिछले साल एग्जाम पंचायत सेक्टरी का एग्जाम हुआ था, अगर आप उस एग्जाम को देखेंगे तो आपको लेवल का पता चलेगा कि जो आपका 10th बेस्ड एग्जाम रहता है पंचायत सेक्टरी का जो पिछले साल हुआ था, उसमें मैथ जो है वो किस लेवल का जो है वो पूछा गया था। उस मैथ को सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता था जिसने काफी हद तक जो है वो प्रैक्टिस की हुई थी। उसमें ट्रिग्नोमेट्री के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ में हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे, उसके साथ में आपके डिस्टेंस फॉर्मूला के प्रश्न थे, उसमें समांतर श्रेणियों के प्रश्न थे, एपीजीपी का क्वेश्चन था। तो उस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है वो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न जो है इसका आपको औसत निकालना है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स और बाय है इसलिए ए और बी की जगह एक्स बाय लिख देंगे। फॉर्मूला मैंने लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला है और बराबर है 80। यहाँ पे एक्स माइनस बाय की वैल्यू मेरे को गिवन है वो कितनी है, 8 दी गई है। यहाँ पे मैं वैल्यू भर दूंगा तो एक्स प्लस बाय की वैल्यू यहाँ पे है 8 और बराबर है 80। ये 8 ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे, 8 से 80 कटा 10, तो एक्स प्लस बाय कितना आ गया, 10 आ गया। और एक्स माइनस बाय कितना है, 8 है। अब आप खुद चेक कर सकते हैं ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिनको जमा करने पे 10 आए और माइनस करने से 8 आए, तो ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि 5 और 5 कितने होते हैं, 10, लेकिन क्या माइनस करने पे 8 आता है, नहीं आता है। तो ये तो आपका हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। वैसे आप इसमें विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड हम जिसको बोलते हैं उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक्स प्लस बाय, ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिनको प्लस करने पे 10 आए और माइनस करने पे कितना आए, 8 आए, तो खुद आप चेक करें क्या इसका राइट आंसर रहेगा, क्या इसका राइट आंसर रहेगा, चेक करें आप। यहाँ पे औसत आपसे पूछा है, सबसे पहले एक्स और बाय की वैल्यू आपको निकालनी है, तब भी आप क्या निकाल सकते हैं, औसत जो है वो आप निकाल सकते हैं। एक और मेथड है इसके औसत को निकालने का, बट सबसे पहले आप एक्स और वाई की वैल्यू को चेक करें क्या राइट आंसर रहेगा। जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि एक्स जो है, अगर मैं उसको ले लेता हूँ कितना, यहाँ पे 10 में से 2 चले गए तो 8, लेकिन प्लस करने पे 10 नहीं आएगा। और कौन सी वैल्यू हमारे पास हो सकती है, चेक करें आप प्लीज। नौ और एक हमारे पास वैल्यू हो सकती है, हाँ 9, और बाय की वैल्यू कितनी, 1, दोनों को ऐड करने पे 10, माइनस करने पे 8। अब मेरे से क्या पूछा है, एक्स और बाय का औसत, तो बाय एक्स और बाय का औसत कैसे हम निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यू, तो 9 और 1 ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिए, ये औसत का फॉर्मूला लगाए, 9 और 1 10, 10 बटा 2, आंसर कितना 5। धुआंधार क्वेश्चन है आपके पास, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, ये आपके रेशियोस के चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन डाला गया है, चेक करें क्या इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया है 3/7 पी बराबर है 4/11 क्यू, तो पी और क्यू का अनुपात निकालना है। सबसे पहले पी और क्यू की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो कैसे आप चेक करेंगे, 3/7 पी दिया गया है, 4/11 क्यू दिया गया है, तो Q को आप दूसरी तरफ ले आए, नीचे आप ले आए, और 4/11 यहीं पे है, वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगी, 7 चौके 28, 11 तिया 33, तो P और Q की वैल्यू कितनी आ गई, 28 और 33, तो P रेशो Q भी कितना बना, 28 रेशो 33 बना। 28 रेशो 33 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी डाला गया है,
आप चेक कर सकते हैं, हिमाचल पटवारी के एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है, 11 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान आयु आपको कैलकुलेट करनी है, तो आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, मैंने लिख लिया 11:17। रेशो हमेशा प्रपोर्शन में चलती है, मल्टीपल में चलती है, इसलिए साथ में क्या लगाएंगे, एक्स एक्स लगाएंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 11 वर्ष पहले पहले की बात है, इसका मतलब माइनस करेंगे दोनों में, कितने वर्ष, 11 11 वर्ष। अब आयु कितनी हो जाती है, 11 और 20 हो जाती है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और आंसर आप निकालें, 20 आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 11 दूने 22 हो जाएगा यहाँ पे, 11 दूने 22 माइनस के 220 बराबर है, 11 को 17 से आप गुणा करेंगे, क्या आंसर आएगा, या फिर आप इस 11 को जो है वो दूसरी तरफ ले आए तब ज़्यादा इजी रहेगा, ये 17x माइनस की 11 एज इट इज़ है, 11 से दोनों की दोनों वैल्यू कटेंगी, ये कटेगा आपका कितना 20 बार, और माइनस के 20 बराबर है 17x माइनस के 11, 17x इस तरफ आएगा तो बचेगा 3x, और माइनस के 11 प्लस के 20 प्लस माइनस माइनस 3x की बराबर है 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की आ गई 3। हमें क्या पूछा है, r की वैल्यू पूछी है, r का रेशियो क्या है, 11, 11x है तो x की वैल्यू 3, तो 11 गुणा 3 11 3 33, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला अंतिम प्रश्न आपके मैथ के सेक्शन का है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची पहुंचती है, तो ट्रेन का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कोलकाता से रांची 7 घंटे लगाती है तो दूरी कितनी होगी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो दूरी, समय और गति का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगेगा, आप सभी जानते हैं स्पीड बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लगेगा। गति बोली गई है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, गति किलोमीटर पर आर में है तो टाइम आर में होना चाहिए, वही चीज़ दी गई है, स्पीड की जगह भर दिया 80, डिस्टेंस आपको निकालना है और टाइम है 7 घंटे, तो ये 7 नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, 80 को गुणा करेंगे 7 से, 7 को 8 से गुणा किया आ गया 56 और एक लग गई 0, तो 760 किलोमीटर, सॉरी 560 किलोमीटर जो है ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपके सामने रहेगा। तो आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के करवाए गए हैं वो आपके सारे के सारे बिल्कुल सही क्वेश्चन गए हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, रीजनिंग का सेक्शन आपके पास दिया गया है, मिसिंग नंबर का आपके पास ये टॉपिक पहला आपके पास दिया गया है, इसमें कुछ बॉक्सेस में आपके नंबर रखे गए हैं और आपको ये जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है आपको इस क्वेश्चन मार्क को ये फिल करना है। कोई भी पैटर्न आप लगा सकते हैं, चाहे आप रो में लगाएं कॉलम में लगाएं, लेकिन ध्यान में रखना है क्रिस क्रॉस में आपका मेथड नहीं लगता है, कोई भी मेथड आपका या तो रो में, इन 3 रो में लगना चाहिए, वही सेम मेथड इस 4th रो में लगेगा, या फिर इस पहले कॉलम में जो है और दूसरे कॉलम में जो मेथड है वही आपके सेम 3rd कॉलम में भी मेथड अप्लाई होगा, तो रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब कोई एक काफ़ी बड़ी वैल्यू अगर आपके पास दे गई है तो वही हमेशा हमारा रिजल्ट होता है, तो 19 और 30 हमारी कुछ 2 वैल्यूज बड़ी हैं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पे रिजल्ट है, तो इस कॉलम से जो रिजल्ट निकला है वो सबसे लास्ट में लिखा गया है, तो इस हिसाब से आप इस आंसर को चेक करें कि क्या आप आंसर अप्लाई करेंगे। तो कुछ भी मेथड आप लगा के जो है 19 आप कैसे निकालेंगे 1, 6 और 3 से,
तो इनको जब आप गुणा करते हैं, जैसे कि 1 गुणा 6 6 और 6 त्या 18 18 और प्लस 1 कर दिया तो 19। आपने मेथड क्या लगाया, सबको गुणा करके 1 ऐड किया, तो इसमें भी यही मेथड आपका लगना चाहिए। जैसे 7 चौके 28, लेकिन 28 गुणा 2 करेंगे तो वो आएगा 56, तो वो 30 के बराबर तो होगा नहीं। तो कुछ और पैटर्न आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक और पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जैसे कि मैंने ये सोचा कि 6 को 3 से गुणा किया 18, और इस वैल्यू को क्या किया, प्लस किया, तो कितना बना, 19 बना। वैसे ही 7 गुणा 4 28, और 28 और 2 कितने, 30, तो ये वैल्यू भी बन गई। वैसे ही 5 गुणा 2 कितने, 10, 10 और 4 कितने, 14। तो ऑप्शन बी हमारा मैच हो गया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कोडिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफेद को पीला, तो माणिक्य का रंग क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया है। माणिक्य जो है वो आपका एक पत्थर है, जो आप एक अंगूठी पहनते हैं तो उस प्रकार का ये होता है। तो माणिक्य का रंग कैसा होता है वो आपको पहले सोचना होगा। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको बोला गया है लाल को जो है वो क्या बोला गया है, नीला बोला गया है, नीले को जो है वो हरा, मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिखा है, हरे को पीला और पीले को बोला गया है सफ़ेद। ये मैंने क्वेश्चन में बोला लाल को नीला बोला गया है, नीले को हरा, हरे को पीला और पीले को सफ़ेद। अब आपसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए कि आप हमें ये बताएं कि पत्तों का रंग कैसा होता है, पत्तों का रंग कैसा होता है। तो देखिए, आप सभी को पता है पत्तों का रंग कैसा होता है, हरा रंग होता है, ये आपको पता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हरा नहीं होगा, क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन का ओरिजिनल आंसर निकालना, ओरिजिनल आंसर जो आपका माइंड आपको बता रहा है जीके की फॉर्म में कि पत्तों का रंग कैसा होता है, हरा। आपको ओरिजिनल आंसर मिल गया हरा, लेकिन इस रीजनिंग के क्वेश्चन में हरे को क्या बोला गया है, इस हरे को क्या माना गया है, हरे को माना गया है पीला, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिर पीला हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको बोला गया है माणिक्य का रंग क्या होगा, माणिक्य का रंग क्या होगा, तो मणि, मणि जो है वो किस रंग की होती है, जो आप हाथ में अंगूठी जिसको हम नग बोलते हैं, तो जैसे माणिक्य है एक, उसी प्रकार के आपके रत्न होते हैं, तो माणिक्य का एक्चुअल में जो रंग है, एक्चुअल ओरिजिनल जो उसका रंग रहता है वो कैसा रहता है, लाल। लेकिन लाल आंसर नहीं होगा, इस रीजनिंग के क्वेश्चन में लाल को क्या बोला गया है, नीला, तो आपका आंसर क्या रहेगा, फिर नीला रहेगा। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न डायरेक्शन से रिलेटेड है, एक हाइकर दक्षिण की ओर जाता है 2 किलोमीटर, ठीक है भाई, हमने यहां से चलाया उसको इससे और दक्षिण दिशा में चला गया, साउथ में कितना चला गया, साउथ दिशा में चला गया, कितना चला गया, 2 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, पश्चिम का मतलब है वेस्ट की ओर मुड़ता है, तो वेस्ट किस तरफ है, इस तरफ रहेगी। एक मिनट, एक इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे ड्रॉ करते हैं, ये दक्षिण की तरफ गया था पहले, ठीक है 2 किलोमीटर, अब पश्चिम की तरफ मुड़ गया, ठीक है, कितना मुड़ा, 4 किलोमीटर गया, ठीक है जी। अब उत्तर की तरफ गया, उत्तर का मतलब है नॉर्थ की तरफ, और कितना गया, 5 किलोमीटर गया, कितना गया, 5 किलोमीटर, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक तो 2 किलोमीटर ये हो गया, यहाँ तक तो 3 और जाएगा, तभी कितना पहुँचेगा, तभी पहुँचेगा 5 किलोमीटर, ये 2 और ये 3, तभी कितना हुआ, 5 किलोमीटर हुआ। अब आगे बोला है वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है, राइट साइड मुड़ता है, और कितना जाता है, 4 किलोमीटर, ठीक है जी। यहाँ से चला, यहाँ पे चला गया, कितना आ गया, 4 किलोमीटर, ये भी 4 है तो ये भी 4, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। अब बोला है शुरुआती स्थिति के संदर्भ में, अब वो कहाँ है, शुरुआती, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, कितनी दूरी पे खड़ा है, ये आपको दूरी बतानी है, तो कितनी दूरी है, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है कितनी,
तो ये दूरी भी कितनी होगी, 3। और कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, 3 किलोमीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपका प्रश्न है, किसी निश्चित कोड भाषा में भाग को प्लस कहा जाता है, ठीक है जी, माइनस को गुणा और प्लस को जो है वो भाग कहते हैं, गुणा को माइनस। तो इस उत्तर आपको ज्ञात करना, इस प्रश्न का उत्तर आपको निकालना है। एज इट इज लिखेंगे, क्या प्रश्न है, 24 लिख दिया, आगे है कौन सा सिंबल, भाग, भाग को क्या बोला गया है, चेक करें, भाग को बोला गया है प्लस, जी प्लस लगा दिया, आगे है कितना, 14, आगे है माइनस, तो माइनस को क्या बोला गया है, माइनस को बोला गया है क्या, माइनस को बोला गया है गुणा, ठीक है जी, गुणा लगा दिया, उसके आगे है 5, फिर है प्लस 10, प्लस को बोला गया है भाग और 10, फिर है गुणा के 14, गुणा को बोला गया है माइनस ये 14। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन में आपको लगाना है बोर्ड मास का मेथड। सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड, तो एज इट इज लिखेंगे 24 प्लस के 14 इंटू 5, डिवाइड को ले आएंगे नीचे 10 और माइनस के 14, कटिंग करेंगे कितना आएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 14 कटेगा 7 बार, कितना बच्चा, 24 प्लस के 7 माइनस के 14, 24 और 7 कितने, 7 4 31, 31 में से 14 आपके चले गए तो बचे कितने, 17। ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आपको ध्यान में रखना है, आपको इनके सिंबल चेंज करने हैं, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आपको सिंबल जो है वो इनके चेंज करने हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें, 1 2 6 24 और गैप है 720, तो जब स्टार्टिंग की वैल्यू छोटी लास्ट की वैल्यू काफ़ी बड़ी, तो हमेशा इनटू का पैटर्न आप यहां पे फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई का रूल हर बार जो है वो आपका अप्लाई होता है, यहां पे है 720, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा गुणा 2, ये आ जाएगा गुणा 3, ये आ जाएगा गुणा 4, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लगेगा, गुणा 5, और ये होगा आपका ऑटोमेटिकली इंटू 6, जो 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120, और 12 को 6 से करेंगे 72, 0 एज इट इज, तो 120 आपका जो है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का है आपका, जो आपका एनालॉजी का आपका प्रश्न रहेगा, 431 और 12 में आपका कोई ना कोई एक रिलेशन जो है वो लगा है, उसी प्रकार का रिलेशन आपको 345 और क्वेश्चन मार्क में आपको लगाना है। तो 431 को मैं 12 कैसे लिख सकता हूँ, प्लस करके लिख सकता हूँ, 4 और 3 कितने, 7 और 1 8, 8 और 4 12 कुछ बन सकता है, लेकिन इसमें नहीं बनेगा, तो कोई आपको पैटर्न लगाना है, 4 को गुणा किया 3 से कितना आएगा 12, 12 को गुणा किया 1 से तो आंसर आ गया 12। सेम पैटर्न आप लगा के देखें, 345 में लगा के देखें, 4 को 3 से गुणा किया कितना आएगा 12, 12 को 5 से किया कितना आएगा 60। ऑप्शन है तो ऑप्शन बन गया आपका, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एनालॉजी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कैलेंडर है आपके अगला प्रश्न, मिस्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल गुरुवार को हुआ, गुरुवार का मतलब है थर्सडे, वीरवार को हुआ, थर्सडे को हुआ, और आराध्या का जन्म जो है वो 20 अक्टूबर को हुआ, उसी वर्ष में हुआ है, तो किस दिन हुआ ये आपको बताना है। इसका मतलब है आपको एक वैल्यू पता चल गई कि 27 अप्रैल के दिन जो है वो कौन सा दिन है, थर्सडे है, मतलब कि कौन सा दिन, वीरवार है। तो आपको बोला है कि आराध्या का जन्म हुआ है 20 अक्टूबर को, तो उस दिन कौन सा दिन आएगा ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पे आप मेथड आप अप्लाई करेंगे, कितने दिन आप आगे गए, अप्रैल होता है आपका कितने का, 30 दिनों का, तो 27 अप्रैल तक तो हमारे दिन हो चुके हैं, अप्रैल के बचे कितने दिन, 3 दिन, फिर आएगा मई 31 दिन, मई के बाद जून, फिर आएगा जुलाई, फिर आएगा अगस्त, फिर आएगा सितंबर और फिर आएगा अक्टूबर, तो अक्टूबर के
होते हैं 31 दिन, लेकिन हमने जाना कहाँ तक है, सिर्फ और सिर्फ 20 अक्टूबर तक ही जाना, इसलिए हम कितने लिखेंगे, 20 लिखेंगे। सबको आप ऐड करें या फिर यहीं पे आप कटिंग कर सकते हैं, हफ्तों में सबको ऐड करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर मैं यहीं पे हफ्तों में काट देता हूँ, 3 है मेरा एज इट इज रहेगा, 31 में से 28 दिन चले गए तो बचे कितने, 3 दिन बचे, 30 में से 28 चले गए 2 दिन बचे, 31 में से 3 दिन बचे, इस 31 में से भी 3 दिन, इस 30 में से बचे कितने, 2 दिन, और 20 दिन मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, नहीं तो इसको मैं हफ्तों में क्या कर सकता था, ब्रेक कर सकता था, लेकिन मैंने इसको एज इट इज लिख लिया। अब मेरे को पता है 21 दिनों का या 28 दिनों का क्या होता है, हफ्ता होता है, तो ये 20 दिन, 3 23 दिन, 26 दिन और 2 कितने, 28 दिन हफ्तों में कटेंगे, 3 और 3 कितने, 6, 6 और 1, 6 और 2 कितने, 8 दिन, 8 दिनों का मतलब है 7 दिन और 1 दिन, हफ्तों में 7 दिन कट गए तो लास्ट में बचा कितना, 1 दिन, तो आपको वीरवार से सिर्फ 1 दिन आगे जाना है, तो वीरवार से अगला दिन कौन सा, शुक्रवार, फ्राइडे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन से, तो जिनका भी आंसर सबसे पहले निकलता है कमेंट करके आप जरूर बताएं साथ साथ में। अगर एम जेड की बहन है, इसका मतलब है जेड की बहन कौन हुई, एम हुई, माइनस लगा दिया। जेड पी की पत्नी है, पी की पत्नी कौन है, जेड पी की पत्नी है जेड, अगर ये जेड पत्नी है तो ये खुद क्या बन जाएगा, पति, इसलिए डबल एरो लगा दिया, पति पत्नी का रिलेशन बना। पी ए का बेटा है, ए का बेटा कौन है, पी, तो ए यहाँ पे आ गया, ए का बेटा बन गया पी, तो जेड का ए से क्या रिश्ता है, मतलब ये ए जो है वो जेड को क्या बोलेगी, तो ये ए का बेटा है और बेटे की पत्नी है, तो उसकी क्या लगी, उसकी लगी बहू, उसकी क्या लगी, बहू लगी, तो आंसर क्या आएगा, पुत्र बधु हम हिंदी में बोलते हैं, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। तो जिनका भी ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर है वो बिल्कुल सही यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने किया है। नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर जो है वो लगाया जा सकता है, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आपके पास जो ये जो कुछ ऐसे ऊपर अक्षर दिए गए हैं, जैसे कि हैट है, बार, बैट, पिन और बाद, इनके आगे ऐसा कौन सा अक्षर लगाया जाए ताकि एक नया अक्षर जो है वो बन जाए, जैसे कि मैंने लिखा है इन, तो इन के आगे ऐसा कौन सा अक्षर लगाया जाए जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो मैंने क्या लगा दिया, जैसे के लगा दिया, इंक बन गया, तो वैसे इन सब में एक कॉमन अक्षर लगेगा, कौन सा लग सकता है वो आप चेक करें, कौन सा आंसर लग सकता है, ई को मैं यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि हेट है, एच ए टी, हैट, ई लगा दिया तो बन गया क्या, हेट, उसके बाद बेयर बन जाएगा, उसके बाद बेट बन जाएगा, बी ए टी, बैट, और बी ए टी ई क्या बन जाएगा, बेट, तो बेट का मतलब है क्रोध करना, ठीक है, उसके बाद जैसे कि है बात, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, बाथ बन जाएगा, बी ए टी एच ई, मतलब कि नहाना, तो इन सबके आगे जब ई अप्लाई हो जाता है तो इसका मतलब सबके मीनिंग क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के सेक्शन का, ये क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन का रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर नहीं दिया गया है, क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन का मतलब है आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक अलग ऑप्शन ढूंढना है, एग्जाम्पल मैं आपको इसका दे देता हूँ, जैसे कि ऑप्शन दिया गया है सेब, उसके आगे दिया गया है संतरा, उसके आगे दिया गया है केला, और उसके आगे दिया गया है आपके पास एक गुलाब, तो इन चारों के चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा होगा, वो है आपका गुलाब, क्यों, क्योंकि ये तीन फ्रूट हैं और ये आपका क्या है, एक फ्लावर है, तो उसी प्रकार से इनमें भी आप कोई ना कोई एक मेथड अप्लाई करके देखें, कोई ना कोई एक पैटर्न आपका लगेगा जिस हिसाब से आपका कोई एक ऑप्शन अलग हो जाएगा। 25 और 36 किसी ना किसी का स्क्वेयर है, ये 5 का स्क्वेयर, ये 6 का स्क्वेयर, ये 7 का स्क्वेयर, ये 8 का स्क्वेयर, ये 9 का स्क्वेयर, ये 10 का स्क्वेयर, इसका मतलब ऑप्शन बी, सी और डी, ये कहीं ना कहीं पे
किसी वैल्यू का स्क्वायर है, लेकिन 8 और 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं होते, इसलिए ए सबसे अलग होगा, तो ए ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, क्योंकि अभी तक कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। लाइक आप ज़रूर करें और कमेंट करें कि क्या आपको इस टाइप की क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपको डेली टू डेली जो है वो चाहिए, या फिर किसी अनदर टॉपिक के ऊपर भी हम यहाँ पर डिस्कस करें, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जीके के सेक्शन का पहला क्वेश्चन आपके पास धुआंधार क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड वैदिक सभ्यता से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। मैं इसके साथ साथ आपको जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो वैदिक लोगों के द्वारा जो है वो कौन सी धातु सबसे पहले उपयोग में ली गई थी, उसका नाम है तांबा, ऑप्शन डी तांबा, कॉपर जो है वो सबसे पहले उपयोग में ली गई थी, और ऋग्वेद में जो है वो इस धातु का उल्लेख था और इसकी जो पहचान थी उसको संदिग्ध जो है वो माना जाता था। ऋग्वेद में इस धातु को जो है वो अयस के नाम से भी हम जानते थे, ये आपको ध्यान में रखना है, अयस, ऋग्वेद में इसको अयस के नाम से जानते थे, और कुछ विद्वान जो हैं वो इसी तांबे को कांसा भी कहते थे, कुछ इसे लोहा कहते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में कहीं पर भी लोहे से कोई भी चीज़ें बनी जो हमें नहीं मिली हैं। इसका मतलब कि जो ऋग्वेदिक काल में जो आर्य थे वो लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। और तांबे की बात करते हैं, कॉपर Cu जो है वो इसका हमारा क्या रहता है, एलिमेंट को जो है वो हम सिंबल Cu के नाम से जो हम वो जानते हैं। अगला प्रश्न, तेरहवीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया था, महेंद्रपाल, महीपाल, राज्यपाल या फिर तेजपाल। तो तेरहवीं शताब्दी में जो राजस्थान में जो माउंट आबू एक जगह है, हनुमानगढ़, जो कि आपका एक ARO भी वहां पे माना जाता है आर्मी का, तो वहां पे जो है वो प्रसिद्ध एक दिलवाड़ा मंदिर है, वो किसने बनाया था। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो गुजरात के एक शासक थे, वास्तुपाल और तेजपाल, वास्तुपाल और तेजपाल जो थे उनने जो है वो यहाँ पे बनाया था। और आपको ध्यान में रखना है, ये जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये है आपका जैन धर्म से रिलेटेड है, जैनियों का जो है ये मंदिर जो है वो वहाँ पे बनाया गया है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है गुजरात के एक शासक थे, गुजरात के शासक थे कौन से शासक थे, तेजपाल और वास्तुपाल, इन्होंने ये मंदिर बनाया था जो कि जैन धर्म से संबंधित है, या फिर ये मंदिर जैनियों को जो है वो समर्पित किया गया है। अगला प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पूछा गया है कि दिल्ली के जो सुल्तान का पद था उसको संभालने से पहले, आपको पता है बलबन जो है वो दिल्ली के सुल्तान बने थे, तो बलबन दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले किसके प्रधानमंत्री थे, तो आपको ये बताना है। तो नसीरुद्दीन, ऑप्शन ए सही आंसर है, बलबन जो थे वो नसीरुद्दीन के जो है वो प्रधानमंत्री रहे थे, नसीरुद्दीन महमूद उनका पूरा नाम था, उनके प्रधानमंत्री रहे थे। नसीरुद्दीन ने बलबन को जो है वो उलुग खां की उपाधि दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है, बलबन को कौन से नाम से उपाधि दी गई थी, किस नाम से भी उनको जाना जाता था, तो उलुग खां के नाम से जो है उनको उपाधि मिली थी। और 1266 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो बलबन जो है वो उनका उत्तराधिकारी बना था, और उसके बाद वो दिल्ली का सुल्तान बना, क्योंकि नसीरुद्दीन का कोई भी पुत्र औलाद जो है वो उनकी नहीं थी। अगला प्रश्न आपके पास है, दादा भाई नरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। तो आपको ध्यान में रखना है, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नरोजी के द्वारा जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है, स्वराज का अर्थ होता है मेरा शासन, स्वशासन, इसको हम जानते हैं, ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा।
तो 1906 में जो है कलकत्ता अधिवेशन हुई थी, उन्होंने जो है इस शब्द का वहां पे जो है वो प्रयोग किया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो स्वशासन स्वराज्य जो है वो उन्होंने वहां पे कर रखा था। इसी से उनका एक अर्थ बना था, स्वराज का अर्थ है स्वशासन, आपको ध्यान में रखना है। स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया है, और एक फेमस नारा जो है स्वराज से भी आपका दिया गया है, वो दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके पास, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास के रूप में कहाँ पर सीखा था? काफी अच्छा प्रश्न है, यूनिक प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि गांधी जी जो हैं वो सत्याग्रह को मानते थे, लेकिन उस कला को कहाँ पे उन्होंने सीखा था, कहाँ पे उसका अभ्यास किया था, प्रैक्टिस कहाँ पे की थी उन्होंने? तो आपको पता होगा वकालत करने के लिए कहाँ पे गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो वहीं से सारा का सारा जो है वो सीख के आए थे। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गए थे, तभी उन्होंने सत्याग्रह की जो कला है, जो उसका आर्ट है, उसको उन्होंने प्रैक्टिस के रूप में जो है वो दक्षिण अफ्रीका में सीखा था। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार मतलब कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस संविधान से लिए गए थे? काफी अच्छा प्रश्न है, संविधान से रिलेटेड। भारतीय संविधान में जो आपके फंडामेंटल राइट हैं, टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं, इससे पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, जिसमें से हमारा जो प्रॉपर्टी का अधिकार था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो उसको इलेक्ट कर दिया था, उसको हटा दिया गया था। तो फंडामेंटल राइट हमारे पास टोटल जो है वो 6 बचे थे, तो इनमें से किस संविधान से जो है वो लिए गए थे? अमेरिका, यूके, सोवियत संघ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं क्या हमारा राइट आंसर रहेगा। तो फंडामेंटल राइट जो है वो टोटल हमारे कहाँ से लिए गए हैं? वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 जो पार्ट 4 है वो किस चीज से रिलेटेड है? पार्ट 3 जो है वो कौन से जगह से रिलेटेड है, पार्ट 4 कौन सी चीज से रिलेटेड है? ये काफी बार आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए। भाग 3 में हमारे फंडामेंटल राइट रखे गए हैं, और वो हमारे आर्टिकल 35 तक चलते हैं। पार्ट 4 में DPSP रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। पार्ट 4 जिसमें आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमारे रखे गए हैं, और 51A से लेके 51AK तक ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो यहाँ पे रखी गई। तो 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन से थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है, क्योंकि पहले के टाइम में आपसे बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन, टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कौन सा राष्ट्रपति दूसरे नंबर पे रहा, यह सबसे कम कार्यकाल किसका है, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल आपका उठा के जाएगा, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? काफी ज्यादा थे, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे। तो उनका नाम क्या था? वो था राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, जिनको बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी हम जानते हैं। ये लगातार 2 बार जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेके, आपको ध्यान में रखना है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक जो हैं ये भारत के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे, जिनमें से प्रथम बार ये संविधान सभा का अध्यक्ष रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे, और उसके बाद जो 1957 के जो चुनाव हुए थे उसमें ये
राष्ट्रपति चुनावों में से राष्ट्रपति का जो पद होता है उनके लिए इनको निर्वाचित किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या बाबू राजेंद्र प्रसाद के नाम से हम उनको जानते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है 9th क्वेश्चन हमारे जीके के सेक्शन का। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऐसा कौन सा ग्रह है जो जो सबसे ज्यादा शाइन करता है? तो शुक्र ग्रह हमारा सबसे ज्यादा शाइन करता है। ये सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले नंबर पे आता है बुध, दूसरे नंबर पे आता है शुक्र और तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास पृथ्वी। तो बड़े ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, दूरी में दूसरे नंबर पे आता है और इसको पृथ्वी की बहन के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए यहाँ पे जो है सबसे अधिक तापक्रम भी इसी ग्रह में पाया जाता है। इसको इसको जो है वो शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, इन सभी के नाम से जो है वो हम इसको क्या है जानते हैं। तो ऑप्शन डी शुक्र राइट आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न जीके के सेक्शन का, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? यहाँ पे ना होने की बात आपसे पूछी गई है। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से अपनी सीमा को टच नहीं करता है? तो आपको पता होगा झारखंड, क्योंकि ये तो हमारे भारत के काफी बीच में, बीच जैसे में आता है, पूर्व साइड आप मान के चल सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, तीन ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से घिरे हुए हैं। इसके साथ असम, मिजोरम, मेघालय के साथ साथ त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, मेघालय के साथ साथ मिजोरम भी ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उनको ये साझा करते हैं। ध्यान में आपको रखना है, एस्टिमेटेड मैंने आपको बताई है 4096.7 या 6 के आसपास इसकी वैल्यू मेजर की जाती है, बट 4096 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की जाती है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को टच नहीं करता है। साइंस से रिलेटेड पहला प्रश्न आपके पास है, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, क्या कारण है उसका बता सकते हैं आप? तो आपको पता होगा पानी जो है वो ठंड के कारण क्या होता है, जम जाता है और जमने पर क्या करता है, वो फैलता है। तो जब वो फैलेगा तो पाइप फैलेगी, तो पाइप जो है वो सिकड़ी हुई होती है, इसलिए पाइप क्या हो जाती है, फट जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला थर्म किसका यूनिट है बताना है आपको। थर्म थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है आपको बताना है। पावर का, शक्ति का, ऊष्मा मतलब कि हीट का, प्रकाश, लाइट, दूरी, डिस्टेंस। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बाइलेंगुअल में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। थर्म इज द यूनिट ऑफ पावर, हीट, लाइट या फिर डिस्टेंस। किसका यूनिट है? तो हीट का डिस्टेंस ये रहता है आपका, और इसको जो है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी इसको काउंट किया जाता है। हमारा ये SI यूनिट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो है वो हीट का यूनिट जो है वो माना जाता है BTU के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न आपके पास है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? पहले भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ऊपर हमारा वायुमंडल नहीं है इसलिए उसको जो है वो आकाश कैसा दिखाई देगा? उसको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, उसको आकाश बिल्कुल काला दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर वायुमंडल नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगी, इसकी वजह से रंग कैसा होगा? काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस किससे बनते हैं आपको बताना है। लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो जो हमारे ग्लासेस होते हैं वो हमारे किस चीज के बने होते हैं, ये आप यहाँ पे बताएं। जो लेंस है वो हमारा बनता है फिलेंट कान से, ये आपको पहले भी प्रश्न यहाँ पे बताया जा चुका है। फिलेंट ग्लास का यूज जो है वो मोस्टली बल्ब को बनाने के लिए किया जाता है। जो येलो लाइट हमारे बल्ब आते हैं उनमें फिलेंट कांच या फिर क्राउन कांच का यूज किया जाता है। क्राउन और फिलेंट का ही यूज लेंस बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ में
आजकल जो है वो प्लास्टिक लेंस भी हमारे धीरे धीरे जो है वो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग निकल कर आए हैं, तो ये भी आप यहाँ पे जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत किसने बताया था, अटोमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, आप सभी जानते हैं डॉल्टन अटोमिक थ्योरी काफ़ी फेमस है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, जिन्होंने अटोमिक के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से बताया था। अगला प्रश्न यूनिक क्वेश्चन है, जब पुरानी किताबें हो जाती हैं तो उसका कागज जो है किस रंग का हो जाता है, भूरा हो जाता है, लेकिन क्यों हो जाता है, कारण आपसे पूछा है। तो वो जो कागज है वो सेलुलोज से बनता है, सेलुलोज की ऑक्सीकरण होने की वजह से उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है। आपने देखा होगा जो हम काफ़ी पुराने टाइम में जो हम बुक्स यूज करते थे, या आज से अगर आज आप अपनी बुक्स में जो है अगर आप कोई फूल डालते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रोज आपको मिलते हैं कई बार आपकी बुक्स में, पुरानी बुक्स में, तो जब आप इसमें फूल कोई अगर डालते हैं तो 1-1.5 साल के बाद जब आप ओपन करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। किस वजह से होता है, सेलुलोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन सेलुलोज की होने की वजह से उसका रंग कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक तत्वों से एक निश्चित अनुपात में जब कोई चीज़ बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं यौगिक, कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का मतलब जब कोई दो एलिमेंट जो हैं, ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, किसी एक फिक्स रेशियो में जब बनते हैं, फिक्स रेशियो में जो बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि है हमारे पास वाटर, एलिमेंट हमने लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब फिक्स रेशियो का मतलब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, दो, और ऑक्सीजन कितनी होगी, वन, तभी H2O फॉर्मूला बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हाइड्रोजन को वन कर दिया, ऑक्सीजन को टू कर दिया, तब भी हमारे पास पानी बनेगा, नहीं। एक फिक्स रेशियो में जब उसकी रेशियो कभी चेंज नहीं की जाती और दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट का कोई मिक्सचर बनाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड या फिर यौगिक। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है C6H12O6, C6H12O6 हमारे पास कोई फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या चीज़ रहती है, इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12, ये भी 6 है, ऑक्सीजन ये 6, ये भी हमारे पास क्या है, फिक्स है। तो इस फिक्स वाली चीज को हम नहीं हटा सकते, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अगला प्रश्न, सोडियम की खोज किसने की, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम की खोज की थी डेबी के द्वारा, हम्फ्री डेबी, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। सोडियम का सिंबल है Na, क्लोरीन मिलाने से ये बनता है हमारे पास कॉमन सॉल्ट NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये जो है वो हमारा पृथ्वी पर पाया जाने वाला 6th नंबर का सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला 6ठे नंबर का हमारा एलिमेंट है, जिसको जो है वो लेबोरेटरी में सर हम्फ्री डेबी के द्वारा जो है वो 1807 में जो है वो प्राप्त किया गया था। उसकी खोज जो है 1807 में हुई थी। एनए को जो है, सोडियम को जो है वो कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि कैरोसिन ऑयल के बाहर निकालने पे जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो आग पकड़ लेता है। लेकिन ज्यादातर हम यही चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इसके पीछे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट कुछ और भी है। जब हम सोडियम को कैरोसिन से बाहर निकालते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, लेकिन आग तो वो पकड़ता है, लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन जो है वो कुछ और भी है। पहली चीज तो ये, जब हम सोडियम को कैरोसिन से बाहर निकालते हैं तो वो प्योर सोडियम हमारे पास नहीं रहता, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पे वो कार्बोनेट CO2 उसके साथ डायरेक्ट हिट करती है, जिसके बाद वो कार्बोनेट बन जाता है। और जब उस कार्बोनेट से उस कार्बन वाली चीज़ को हटाया जाता है तो वो क्या कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ में आने पर वो आग पकड़ लेता है। ये इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास 9th क्वेश्चन, जब शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट आती है तो हमें कैसी लगती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी लगती है, तो वो क्यों ऐसी लगती है। आपने देखा होगा जो परफ्यूम है, जब आप उसको हाथ में रखते हैं तो एकदम से जो वो उड़ जाती है, स्प्रिट आपने देखी होगी, उसको हाथ में रखने पे वो एकदम से इवेपोरेट हो जाती है, तो इसका क्या रीजन है, क्योंकि वो सबसे अधिक क्या है, बाष्पशील है।
तो इसलिए वो हमें ठंडक देती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतिम प्रश्न, साइंस से निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? कौन से लिक्विड की डेंसिटी सबसे कम है? डेंसिटी आपसे पूछी गई है, स्वच्छ जल, नमकीन जल, पेट्रोल या फिर मरकरी। पानी की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मानी जाती है। नमकीन जल की, स्वच्छ पानी की बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नमकीन जल जो है वो 1.03 के आसपास है लगभग। पेट्रोल तो काफ़ी कम है, इसलिए पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर तैर जाता है, और मरकरी जो है वो डूब जाता है क्योंकि उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, 13.53। इसलिए जिसकी डेंसिटी कम वो पानी के ऊपर तैरता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो पानी के बीच में डूब जाता है। तो सबसे ज़्यादा कम घनत्व बोला है तो कम किसका है? पेट्रोल का। ऑप्शन सी राइट आंसर आपके पास रहेगा। अगले क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके डाले गए हैं क्योंकि हिमाचल के एसएससी के जो आपके एग्ज़ाम रहते हैं, और अभी कुछ टाइम में आपका जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर जितने भी आपके एंट्रांस एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, बीएड एंट्रांस है आपका, एचपीयू एमएससी का आपका एग्ज़ाम है, या फिर आप किसी अनदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए इंग्लिश आपके लिए पूछी जाती है। हिमाचल पटवारी, एसएससी, हिमाचल पुलिस की भर्ती भी आपकी आने वाली है, कंडक्टर का एग्ज़ाम आपका अभी पेंडिंग है, जीओआईटी का आपका एग्ज़ाम अभी होना है, तो उन सब में इंग्लिश जो है वो आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर आप जो है वो क्वेश्चन को ट्राई करें क्या इसका राइट आंसर रहेगा। साथ में मैं आपको डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाने की भी ट्राई करूंगा। आपको बोला गया है गुड रीडिंग डैस द सेंस ऑफ द लिबरल एजुकेटेड माइंड। आपको यहाँ पे जो सेंटेंस आपको बोला गया है, इसमें आप एक बार खुद देखें कि यहाँ पे जब हम वर्ब का यूज करेंगे तो आपको क्या बोला गया है कि जो गुड रीडिंग है वो क्या चीज़ शो कर रही है। सेंस ऑफ लिबरल एजुकेटेड माइंड, काफ़ी एजुकेटेड माइंड को क्या कर रही है वो यहाँ पे शो कर रही है, मतलब वो उस चीज़ को प्रकट कर रही है। तो ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन है जो यहाँ पे बिल्कुल फिट होगा? आप उस चीज़ को दर्शा रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। गुड रीडिंग क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है आपके एजुकेटेड माइंड को। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, ये आपका सिनोनिमस से आपका क्वेश्चन रहेगा। सिमिलर वर्ड आपको ढूंढना है, सिमिलर मीनिंग के साथ है। अमेंड, अमेंड का सिमिलर वर्ड क्या होगा? अमेंड आपको यहाँ पे बताना है, सिमिलर वर्ड आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या आंसर आपके पास रहेगा? सिनोनिमस का मतलब है सिमिलर वर्ड, तो अमेंड का मतलब है अमेंडमेंट। आपने सुना होगा अमेंडमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि संशोधन हम जिसको बोलते हैं, अमेंडमेंट का मतलब है क्या? संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, जैसे कि जीएसटी में कोई अगर आपको सुधार करना है तो आप क्या करेंगे? उसको हल्का सा चेंज करेंगे, संशोधन करेंगे, सुधार करेंगे, मतलब उसको कि करेक्ट करेंगे, ठीक करेंगे, यही हम चीज बोलते हैं। और करेक्ट करना, ठीक करना, जैसे कि रेक्टिफाई करना, ये आप बोल सकते हैं। अमेंड करना, करेक्ट करना, ये भी आप बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ बिल्कुल ठीक होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका अल्टर, ये भी आपका ठीक रहेगा। अल्टर का मतलब है बदलना, मतलब कि चेंज करना, सुधारना, आप उसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न एंटोनिमस से रिलेटेड प्रश्न है। एब्रिज, एब्रिज का मतलब है, एब्रिज का मतलब क्या होता है? कम करना, कम करना, जैसे कि हम एक किसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने का मतलब निचोड़ निकालना, उस चीज़ को छोटा करना। कोई बड़ी सी चीज़ है उसको क्या करना? संक्षिप्त रूप में उसको नहीं बता के छोटी चीज़ में उसको बताना, छोटा करना, उसका एक सार निकालना, उसका कंक्लूजन निकालना। तो इसका विपरीत क्या होता है? इसका विपरीत होता है किसी चीज़ को लंबा करके बताना, काफ़ी बड़ा बताना। तो उस चीज़ में हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब है किसी चीज़ को खींचना, बढ़ाना, फैलाना, लंबा करना, उसको एक्सपैंड करना,
ठीक है, एम्पलीफाई करना, मैग्नीफाई करना, तो स्ट्रेच जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है, ए सब्सटेंस इजिली इवेपोरेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। आपको वन वर्ड इसके लिए ढूंढना है कि आप इसको बोलेंगे ऐसा सब्सटेंस जो इजिली नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाए, उस चीज के लिए हम एक सिंपल से वर्ड में क्या चीज बोलेंगे, इवेपोरेट बोल सकते हैं या फिर आप वोलेटाइल भी उसको बोल सकते हैं। बाष्पशील पदार्थ जो है उसको इंग्लिश में बोला जाता है वोलेटाइल, ये इसका मतलब है। और अगर स्टेडफास्ट की अगर बात करें तो इसका मतलब है कोई चीज स्थिर रहती है, प्रॉपर उसी पोजीशन में रहती है, अचल रहती है, दृढ़ रहती है। और एंड्यूरिंग का मतलब है कोई चीज टिकाऊ है, टिकाऊ मतलब काफी लंबे समय तक चलेगी। और डेफिनेट तो आपको पता है निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से, तो वोलेटाइल ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न फिफ्थ, करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पे ढूंढनी है, फाइंड द करेक्ट स्पेल वर्ड। चेक करें आप यहां पे, सॉरी यहां पे करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इनकोरेक्ट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप चेक कर लें, इनकोरेक्ट की बात यहाँ पे बोली गई है, इनकोरेक्ट आपको ढूंढना है, यहाँ पर इनकोरेक्ट की बात बोली बोली गई है। तो एनिवर्सरी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एनिवर्सरी की स्पेलिंग गलत है। एनिवर्सरी का मतलब है किसी चीज का सालगिरह या वर्षगांठ हम बोल सकते हैं। तो एनिवर्सरी की स्पेलिंग क्या होती है, ए डबल एन आई वर वी ई आर और सरी एस ए आर वाई, ये इसकी स्पेलिंग है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, एस ओ आर आई यहां पे दिया गया था, एस ए आर वाई होगा। अगला है ए पार्टनर इन क्राइम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके पास एक बार फिर से, ए पार्टनर इन क्राइम क्या हम इसको बोलेंगे, तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, ए कंप्लाइस, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर रहेगा। पार्टनर इन क्राइम का मतलब है कि किसी क्राइम को करने के साथ में जो आपका सहयोग देता है, जिसको हम जुर्म में साथी बोल सकते हैं, या फिर सह अपराधी, आपके अपराध में वो भी शामिल है तो उसको हम बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया था, जैसे उसमें बोला गया है एलिबी, इसका मतलब है कि कोई चीज एब्सेंट है, कोई चीज एक्चुअल में तो हो रही है लेकिन वो चीज वहां पे नहीं है, अनुपस्थिति है, उसकी अनुपस्थिति है। हेल्पर का मतलब है, जैसे पार्टनर जो है उसको हेल्पर हम नहीं बोल सकते, हेल्पर का मतलब होता है जो मदद करता है। असिस्टेंट का मतलब होता है जैसे कि सहायक, हेल्पर और असिस्टेंट आप दोनों एक वे में सोच सकते हैं, लेकिन जब आपकी एक प्रोफेशनल किसी चीज में अगर बात करेंगे तो फिर आपकी वो चीज यहाँ पे जो है वो डिस्कार्ड की जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट का मतलब है आपका कोई सहायक जिसको हम पीए बोलते हैं, तो आप उसको हेल्पर नहीं बोल सकते, हेल्पर एज अ पीएन की फॉर्म में आपका वो चला जाएगा, जो आपकी मदद करता है उसको हेल्पर हम बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एम्प्लाइज जो है इसका मीनिंग होता है जुर्म में जो आपका साथ दे, तो पार्टनर इन क्राइम मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर आपके पास रहेगा। ए डॉग रन्स डैश द स्ट्रीट, आपसे प्रेपोजिशन का ये वर्ड यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन अबाउट का प्रयोग जो है वो हम यहाँ पे कर सकते थे, अबाउट का उपयोग जो है वो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम टू का उपयोग करेंगे क्योंकि अबाउट ऑप्शन में नहीं है, टू का उपयोग किया जाएगा क्योंकि डॉग रन डैश द स्ट्रीट, अब रन कर रहा है इसका मतलब डॉग जो है वो किस चीज में है, डॉग है मोशन की चीज में, तो मोशन में जब कोई चीज होती है तो कौन से इससे करते हैं, टू का उपयोग जो है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो अबाउट को जो है वो ज्यादा महत्व जो है वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो कुछ कन्फ्लिक्ट है इस क्वेश्चन में टू या अबाउट में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कौन से इसको जो हम बिल्कुल सही मान के चलें। अगला प्रश्न आपके पास इडम फ्रेजिस से है,
एकॉक एंड बुल स्टोरी, क्या इसको हम बोलेंगे? तो एकॉक एंड बुल स्टोरी को जो है हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी कोई चीज़ जिसको अनबिलीवेबल, जिसको हम बोलते हैं खुद से बनाई जाने वाली स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सी चीज आपके पास गलत यहाँ पे दी गई है, चेक करें यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन ए है उसमें आपकी कुछ गलती, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे बात बोली गई है एक डोंट और दूसरा है अनलेस। अनलेस अनलेस जो है एक पहले से ही आपका नेगेटिव वर्ड है, तो उस अनलेस के साथ आपका नॉट वर्ड आपका यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि डोंट का मतलब है डू नॉट, और अनलेस पहले से ही नेगेटिव फीलिंग जो है वो, नेगेटिव सेंटेंस का बोध जो है वो करवा रहा है, तो इसके साथ हम नॉट का यूज हम नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन ए में जो है वो आपकी एरर छिपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10th है, माई हाउस इज एडजेस्टेंट डैश सेंट्रल पार्क, क्या इसका राइट आंसर रहेगा? तो यहाँ पे उसके साथ में है, जब भी हम क्लोज या किसी नियर की बात करते हैं, किसी रूम के साथ में है, तो वहां पे हम फिक्स प्रेपोजिशन की यूज करते हैं, तो वो है हमारे पास टू। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला, हिमाचल जीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चेक करें कि कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही होंगे। तो पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने संकल्प लिया था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा वो काले कपड़े ही पहना करेंगे? हिमाचल जीके से पहले पहले जो अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपके हर किसी एग्जाम में, हिमाचल को छोड़ के हर किसी एग्जाम के लिए, स्टेट का, सेंटर का, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हिमाचल सेक्शन जो है वो स्पेशली हिमाचल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हिमाचल पटवारी का आने वाला एग्जाम जो है वो धुआंधार एग्जाम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेक्शन उसी एग्जाम में जो है वो मानी जाएगी। और एक ऐसा एग्जाम है जिसको हर कोई जो है वो भर सकता है, एज की कोई स्पेशल लिमिट नहीं है, 45 तक उसको हम भर सकते हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन उसी एग्जाम का रहता है, और सबसे ज्यादा JIT के बाद भरे जाने वाले फॉर्म जिस एग्जाम के हैं वो है हमारा हिमाचल का सबसे बड़ा एग्जाम, हिमाचल पटवारी का एग्जाम। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दें, क्या राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा वो काले कपड़े ही पहन के रखेंगे? तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के रहने वाले थे, तो उनका नाम था बाबा कांशीराम। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो जाना जाता था? आंसर करें आप इस क्वेश्चन का भी, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा? पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो हम किसे जानते थे, सत्यदेव बुशहरी, डॉक्टर परमार, महात्मा गांधी या फिर बाबा कांशीराम? तो किसे हम जानते थे? तो पहाड़ी बाबा, पहाड़ी गांधी के नाम से जो है वो बाबा कांशीराम को हम जानते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, मंडी के दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गदर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था आपको बताना है, क्या नाम था उनका? हरदेव या फिर हिरदाराम, भवानी या बद्री, सिद्धू एवं कपिल, हरिहर एवं महादेव? सिद्धू और कपिल तो हो नहीं सकता, कॉमेडियन है, हरिहर महादेव हमने सुना नहीं है, भवानी बद्री या फिर हिरदाराम? तो हरदेव दयाल हमने सुना है, गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या रहेगा, राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न, हिमाचल का कौन सा 1954 में हिमाचल प्रदेश का पांचवा जिला बना था? छठा जिला हमारा किन्नौर बना था 1960 में, पांचवा जिला हमारा कौन सा बना था? तो वो बना था बिलासपुर जिला, और बिलासपुर के दियोली में हिमाचल का एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है, सबसे बड़ा मत्स्य पालन केंद्र है। हिमाचल का छठा जिला कौन सा बना था? महासू से अलग किया था, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर हमारा छठा जिला बना था, जिसका वर्तमान में मुख्यालय क्या है, रिकांगपियो है, और रिकांगपियो से पहले मुख्यालय क्या था, कल्पा। और कल्पा किसका पुराना नाम था, चीनी का पुराना नाम क्या था,
कल्पा था। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता के समय बिलासपुर रियासत का संस्थापक कौन था? तो बिलासपुर पांचवा जिला हमारा बना था जब भारत हमारी भारत की स्वतंत्रता का समय था, उस टाइम पे जो बिलासपुर रियासत का शासक था उसका नाम क्या था? आनंद चंद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पुनर्गठन आयोग ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश कब की थी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश को पंजाब में कब शामिल करने की घोषणा जो है वो की गई थी? तो 1957 में, 1956 में जो है वो ये ग श्रेणी का राज्य था, 1957 में ये काम किया गया था जिसकी सिफारिश जो है वो 1957 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके पास है, सॉरी यहां पे ये आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी यहां पे क्वेश्चन 7 था ना, था रिपीट हुआ है। तो अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं डायरेक्ट। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का निर्माता क्यों कहा जाता है? आप सभी जानते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, पहला हिमाचल का निर्माता किसे मानते हैं? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा एक यूनिकनेस लाने के लिए आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल का पूछा गया है कि हिमाचल निर्माता क्यों कहा जाता है, ऐसा कौन सा रीजन है कि जिनसे उनको जो है वो हिमाचल का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली थी, वो पहले मुख्यमंत्री थे, सिरमौर जिला के थे, या फिर हिमाचल को बनाने में उन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, काफी अच्छा योगदान उनके द्वारा दिया गया था। अगला है आपके पास, बोला गया है कौन सा जोड़ा असंगत है, कौन सी चीज जो है गलत है? तो इसका जो है वो ऑप्शन ए गलत है, अंग्रेजों और गोरखाओं का पहला युद्ध 1922 में नहीं हुआ था, शिमला नगर पालिका का गठन 1859 में ही हुआ था, क्राइस्ट चर्च जो है वो कब आया था, उसका प्रस्ताव 1844 में ही आया था। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न आज की इस क्लास का, वाइस रीगल लॉज के निर्माण से पूर्व अंग्रेज वाइसरॉय किस भवन में रहते थे, ये आपको बताना है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन है। वाइस रीगल लॉज के पहले जब वो नहीं बना था तो अंग्रेज के जो वाइसरॉय थे कौन से भवन में रहते थे? पीटर हॉफ हाउस में जो थे वो रहते। तो आई होप आज की क्लास आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी है। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप जरूर जुड़ें जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, एचपीजी के नोट्स, इंडिया जी के नोट्स, आर्मी से रिलेटेड जी के नोट्स, हिमाचल पटवारी, हिमाचल एसआई और एचआरटीसी कंडक्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे मॉक टेस्ट पेपर रहते हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो हमारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है। साथ में www.vijaypatheducation.com के ऊपर जो है वो आप विजिट करें, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आप मॉक टेस्ट पेपर जो है वो परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।